नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। इस लाइव इंट्रैक्शन प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट यानी जंगल, सोसाइटी यानी समाज, और ऑफ कोर्स कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद के बारे में। छोटी छोटी जो कॉलोनियाँ थी, वो जंगल के नियमों के तहत कहाँ उनका क्या सा क्या वजूद रहा, उसके बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन। मैं हूँ आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। और क्लास 9 की बात हुई है तो जल्दी से आपको बता देते हैं कि अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप क्या कर सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर आपके सामने है, देखें 8800440559। यहां आप जरूर अपने प्रश्न करें, फोन लगाएं और बिल्कुल निसंकोच होकर आप फोन करें। dth.class9@cit.nic.in ये है वो मेल आईडी की, जहां पर आप मेल के द्वारा भी अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। एएफएस कोलकाता आसनसोल रीजन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर सुशील कुमार जी, जो कि पीजीटी हिस्ट्री हैं, केवी नंबर 1 यानी केंद्रीय विद्यालय से उनका वास्ता। बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी आपका। धन्यवाद सर, और प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। चलिए, शुक्रिया। सो फॉरेस्ट की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, साथ में जो आपने एक शब्द उपनिवेशवाद का जुड़ा हुआ है, ये अगर जुड़ जाता है तो फिर इसके मायने बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। तो याद आती कि वो आखिर वो पशमंजर क्या था, परिस्थितियाँ क्या था, उनको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना समय गवाए। हाँ जी सर, एक्चुअली क्लास 8 के बच्चे भली भांति इंट्रोड्यूस्ड हैं। क्लास 8 में उन्होंने पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सत्ता स्थापना के बाद उन्होंने भारत के समाज के लगभग सभी कम्युनिटीज पे अपना प्रभाव बहुत गहरा छोड़ा, जिसके कारण समाज के सभी तबके के लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्लास 8 में भी बच्चों ने फॉरेस्ट पे कॉलोनाइजेशन का प्रभाव उनको पढ़ा है, बच्चों ने उनको समझने की कोशिश की है। इसी सिलसिले में क्लास 9th के एनसीईआरटी की बुक में इसे और बहुत ही एक्सप्लेन से समझाने की कोशिश की गई है कि कोलोनाइजेशन का फॉरेस्ट पे और फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है। हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक लेट वी स्टार्ट। एज वी ऑल नो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम के लिए फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट डज नॉट ओनली मेंटेन द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग बट ऑल्सो हेल्प इन द सॉइल कंजर्वेशन। चाहे वो क्लाइमेट के मेंटेनेंस की बात करें या हम सॉइल कंजर्वेशन की बात करें, फॉरेस्ट इन सभी एस्पेक्ट के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट For several forms of wildlife and vegetation. हम जानते हैं जिस तरीके से लगातार आज फॉरेस्ट क्लियर हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी वनस्पतियां आज इनडेंजर्ड हो चुकी हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी आज इनडेंजर्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट लगातार क्लियर हो रहे हैं, और फॉरेस्ट इन नेचुरल वेजिटेशन के लिए, इन वाइल्ड लाइफ के लिए एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराता है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे द अमेजन फॉरेस्ट और The Western Ghats of India itself is the center of 500 different type of plant species in a single forest page. एक सिंगल फॉरेस्ट पेज पे आप देख सकते हैं, चाहे अपने भारत का पश्चिमी घाट हो, वेस्टर्न घाट हो, या अमेजन फॉरेस्ट की हम बात करें, फॉरेस्ट के एक टुकड़े पे 500 से ज्यादा वेजिटेशन पाए जाते हैं, जो बताता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना आवश्यक है। इनके अलावा फॉरेस्ट हमें कई तरह के प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध कराता है, जैसे फोडर हो, फ्यूल हो, टिम्बर हो, गम हो, मेडिसिन हो, हर्ब्स हो, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट हमें अवेलेबल कराते हैं। और संभवतः फॉरेस्ट जैसे जैसे कम होते जाएंगे, इंसानों के जीवन के लिए उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। एवरीवन नोज दिस, बट इवन आफ्टर नोइंग द फैक्ट, even after knowing the significant role of the forest, we can see between 1700 to 1995, 13.9 million square kilometer forest or 9.3% of the world total area was cleared for cultivation and other purposes. दुनिया का पूरे लिथोस्फीयर का आप देख सकते हैं, टोटल एरिया के 9.3% फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, which is in data 13.9 million square kilometer, and India was not the exception of this. India bhi isse aprabhavit nahi rahi. British colonization ki period mein hamare forest space ka bahut bura asar pada, aur isse kai sare sawal
उठ के खड़े हुए, कई सारे सवाल सामने आए। सबसे पहले डिफोरेस्टेशन क्या है और भारत में डिफोरेस्टेशन के क्या क्या कारण बने रहे। सो स्टूडेंट, लेट मी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिफोरेस्टेशन। व्हाट इज डिफोरेस्टेशन? डिफोरेस्टेशन मींस कटिंग डाउन ऑफ द ट्री इनडिस्क्रिमिनेटली इन ए फॉरेस्ट एरिया। किसी वनीय क्षेत्र में पेड़ों का अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक संख्या में काटा जाना डिफोरेस्टेशन कहलाता है। बच्चों, निश्चित रूप से इंसानी जरूरतें, ह्यूमन बींग्स की जो आवश्यकताएं हैं, उनके कारण वनों का काटा जाना, वृक्षों का काटा जाना कुछ हद तक जरूरी होता है। बट दिस प्रोसेस इज नॉट डिफोरेस्टेशन, इसको डिफोरेस्टेशन ही कहते हैं। अगर हम जितने पेड़ को काटते हैं, अगर उसके रेशियो में हम पेड़ों को उगाएंगे, दिस विल नॉट बी नोन एज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब ये होता है जब हम अत्यधिक संख्या में पेड़ों को काटें, और जितना पेड़ हम काट रहे हैं उसके रेशियो में अगर हम पेड़ों को ना लगाते हैं, देन इट विल बी नोन एज डिफोरेस्टेशन। नाउ विल डिस्कस द डिफोरेस्टेशन इन इंडिया। इन इंडिया डिफोरेस्टेशन इज नॉट ए रिसेंट प्रॉब्लम। भारत में आज वनीय क्षेत्र जो है वर्ल्ड के अगर फॉरेस्ट एरियाज की तुलना में कहें बहुत ही कम है, और ये समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। द प्रोसेस बिगेन मेनी सेंचुरीज एगो। हमारे भारत में कई वर्षों से ये समस्याएं लगातार खड़ी हुई हैं और आज भी चली आ रही हैं। बट अंडर द कॉलोनियल रूल इट बिकेम वेरी सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव। लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान भारत में वनों का काटा जाना एक षड्यंत्र के तहत, एक सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत ही बड़े लेवल पे भारत से वनों को काटा गया। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं डाटा से कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में भारत के वनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा काटा गया, लेकिन इसके बावजूद कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया क्लेम्स दैट दे इंट्रोड्यूस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन इंडिया। चूंकि भारत के वनों का, डिफोरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण कॉलोनियल रूल रहा है, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा वो ये दावा करती रही है कि उन्होंने तो भारत में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया, अब भारत के वनों को बचाने का प्रयास किया। हियर वी विल डिस्कस आखिर क्या किया था कॉलोनियल पीरियड में, क्या किया गया था कॉलोनियल पीरियड में, किन कारणों से कॉलोनियल पीरियड में फॉरेस्ट का क्लियरेंस हुआ था, डिसअपीयरेंस हुआ था, डिफॉरेस्टेशन हुआ था, और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो दावा करती है कि उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया था भारत में, क्या वाकई वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी, क्या उन्होंने वाकई में भारत से फॉरेस्ट को बचाने का प्रयास किया था, इन सभी प्रश्नों का जवाब आगे बढ़ने पे हमें मिलता जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, कॉलोनियल गवर्नमेंट के दौरान भारत में कई कारणों से वनों को काटा गया था। वन ऑफ द मेजर रीजन वॉज the reason given behind it that they wanted to improve the land of India. वो भारत में जमीनों की quality को improve करना चाहते थे, ताकि जमीन की fertility बढ़े, production बढ़े, जिससे भारत के किसानों को benefit हो और उनके land revenue का collection भी बढ़े। But when we see deeply, हम अगर गहराई से अध्ययन करेंगे, तो on the name of improving land they directly increase the production of commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton. अब सवाल है कि वो commercial crop का production करना चाहते थे, jute का उत्पादन चाह रहे थे, वो sugar का चाह रहे थे, wheat का चाह रहे थे, cotton का production चाह रहे थे, लेकिन इन commercial crops के production के अलावा भारत में food grains का production भी उतना ही आवश्यक था। भारत की growing population के लिए यहां पे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी उतना ही जरूरी था। सो निश्चित रूप से फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के साथ साथ अगर उन्हें कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े पैमाने पे वनों को काटा ताकि नई फसलों का उत्पादन किया जा सके। सो इट वॉज द फर्स्ट रीजन विच लेड टू द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट। सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। See, definitely it is considered as one of the most important developing factor for India.
माना जाता है। अंग्रेज बार बार दावा करते हैं कि भारत में रेलवे का आगमन उन्हीं के कारण हुआ और रेलवे के आगमन के कारण ही भारत का विकास, भारत का डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ। इन इंडिया रेलवे वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1853 और 1850s onwards लगातार रेलवे का क्या हुआ, विस्तार होता चला गया। जैसे जैसे रेलवे का विस्तार होता चला गया, रेलवे की कई सारी आवश्यकताओं ने पेड़ों को काटने पे जोर दिया। ऑल वी नो रेलवे नीड्स स्लीपर फॉर द रेलवे ट्रैक्स, वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोचेस एंड आल्सो द फ्यूल वुड फॉर द पावर ऑफ द रेलवे इंजन। वी कैन सी हियर ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक नीड्स ऑलमोस्ट 2000 स्लीपर। रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए आप देख सकते हैं एक माइल रेलवे लाइन बिछाने के लिए 2000 स्लीपर्स की आवश्यकता होती थी और एक पेड़ से एवरेज औसतन 2 से 3 स्लीपर्स निकलते थे। एक पेड़ से ज्यादा 2 या 3 स्लीपर्स निकाले जा सकते थे और एक माइल रेलवे लाइन बिछाने के लिए 2000 स्लीपर की आवश्यकता पड़ती थी। सो नाउ वी कैन इमेजिन टिल 1946 द लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन इंडिया हैड इंक्रीज्ड ओवर टू 7,65,000 किलोमीटर। अब आप बच्चों ये अनुमान आपको लगाने का काम है, आप डेफिनेटली इसको कैलकुलेट कीजिएगा और पता लगाइएगा कि एक माइल में 2000 स्लीपर्स की आवश्यकता है, एक पेड़ से एवरेज 2 या 3 स्लीपर्स निकाल सकते हैं और 1946 तक 7,65,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार हो चुका था। सो उसके लिए कितने पेड़ों को काटा गया होगा। यही नहीं, रेलवे के कोचेस के कंस्ट्रक्शन के लिए, फ्यूल वुड के इस्तेमाल के लिए भी जो है रेलवे ने बहुत ज्यादा पेड़ों को काटने पे जोर दिया, जिसके कारण भारत में बड़े पैमाने पे डिफोरेस्टेशन किया गया। थर्ड, सप्लाई फॉर रेल रॉयल नेवी। बच्चों आप सभी को मालूम है इस समय यूरोप में 2 महाशक्तियां थी, वन वॉज इंग्लैंड एंड सेकेंड वॉज फ्रांस। फ्रांस वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑन द लैंड। जमीन पे फ्रांस का मुकाबला करने वाला कोई देश नहीं था इन दिनों। तो दूसरी ओर इंग्लैंड वॉज नोन एज द क्वीन ऑफ द ओशन। इंग्लैंड को समुद्र की महारानी कहा जाता था और इंग्लैंड को समुद्र में इतना महाशक्ति शक्तिशाली बनाने का काम इंग्लैंड की रॉयल नेवी करती थी। 18th century तक इंग्लैंड के पास जहाजों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा था, ए लार्ज फ्लीट ऑफ शिप्स वॉज हैविंग विद द ब्रिटिश रॉयल नेवी। लेकिन जैसे जैसे जहाजों का फ्लीट बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे इंग्लैंड से ओक फॉरेस्ट डिसअपीयर्ड होते चले गए। इंग्लैंड में जहाजों को बनाने के लिए बड़े पैमाने पे वहां से ओक फॉरेस्ट का सफाया किया गया और जिसके कारण अब इंग्लैंड से ओक की लकड़ी मिलनी मुश्किल हो गई। और जैसे ही ओक की लकड़ी मिलनी मुश्किल हो गई तो जहाजों का जो फ्लीट इंग्लैंड के पास इतना स्ट्रॉन्ग फ्लीट था उसके लिए लकड़ी की सप्लाई मुश्किल हो गई। नाउ इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट द इंपीरियल पावर विदाउट द शिप। अगर जहाज ही नहीं होंगे तो इंग्लैंड जो इतनी बड़ी कॉलोनीज डेवलप कर चुका था पूरी दुनिया में, अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिका में इतनी कॉलोनीज डेवलप हो चुकी थी, इतने बड़े इंपीरियल फोर्स को तब तक नहीं बचाया जा सकता था जब तक इंग्लैंड के पास जहाजों का जमावड़ा नहीं होता। इसीलिए 1820s में इंग्लैंड से एक सर्वे टीम भेजा गया पता लगाने के लिए कि भारत में फॉरेस्ट रिसोर्सेस किस मात्रा में उपलब्ध हैं, वहां से हम कितनी मात्रा में ओक की लकड़ियां, ओक के टिम्बर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और सर्वे कराने के बाद आप पाएंगे कि विद इन ए डिकेड फॉरेस्ट वर्क क्लियर एट मैसिव स्केल फॉर टिम्बर। भारत में भी टिम्बर की सप्लाई को पूरा करने के लिए एक बड़े लेवल पे भारत में फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। फोर्थ, प्लांटेशन। बच्चों आपको यह भी पता है कि 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो आया लेकिन समस्या यह थी कि इंग्लैंड में रॉ मटेरियल्स की बहुत बड़ी कमी थी और इसीलिए इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स की सप्लाई के लिए भारत से बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता थी, जिसके कारण कंपनी ने
भारत में जगह जगह पे टी के प्लांटेशंस बनवाए, कॉफी के प्लांटेशंस खुलवाए, इंडिगो रबड़ की जो है बगानी खेती आरंभ करवाई, और इन प्लांटेशंस को बढ़ावा देने के लिए, ये प्लांटेशंस के लिए बिल्कुल नई जमीन की आवश्यकता थी, जिसके कारण बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, फॉरेस्ट का सफाया किया गया। नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एज सून एज द फॉरेस्ट वॉज डिसअपियरिंग, जैसे जैसे भारत में फॉरेस्ट का सफाया हो रहा था, वर्ल्ड वाइड ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी वॉज बींग क्रिटिसाइज्ड, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज की आलोचना होने लगी। क्यों? क्योंकि वो फॉरेस्ट को क्लियर करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। इसी क्रिटिसिज्म से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक जर्मन बोटनिस्ट डायट्रिच ब्रांडिस को यह जिम्मेदारी दी कि वो भारत में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस करें, भारत में फॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम करें। सो डायट्रिच ब्रांडिस वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फॉरेस्ट जनरल ऑफ इंडिया। डायट्रिच ब्रांडिस को फॉरेस्ट जनरल जो है अपॉइंट किया गया और उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि भारत में फॉरेस्ट के कंजर्वेशन वो कर सके। एज सून एज द डायट्रिच ब्रांडिस अपॉइंटेड एज द फॉरेस्ट जनरल ऑफिसर ऑफ इंडिया, ही एस्टैब्लिश्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 एंड फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। जंगलों को बचाने के लिए उन्होंने 1865 में फॉरेस्ट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। यही नहीं, उन्होंने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी एस्टैब्लिश किया। आप देख सकते हैं 1906 में फॉरेस्ट को बचाने के नाम पे द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप एट देहरादून इन 1906। और इसी देहरादून में, इसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जिस नई सिस्टम को डेवलप किया गया, जिस नए सिस्टम को स्टार्ट किया गया, इसी को अंग्रेजों ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम दिया गया। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल डिस्कस क्या थी ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और जिसे वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहते हैं, क्या वाकई वो साइंटिफिक थी, क्या इसने वाकई फॉरेस्ट को बचाने का काम किया। ऑल दिस स्टेप्स विल बी डिस्कस्ड लेटर। सो सी, वाज इट रियली साइंटिफिक, क्या वाकई में ये साइंटिफिक थी, इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पे उन लोगों ने क्या क्या स्टेप्स उठाए। मेनी पीपल इंक्लूडिंग मेनी इकोलॉजिस्ट फील दैट दिस सिस्टम वाज नॉट साइंटिफिक एट ऑल। बहुत सारे पर्यावरणविदों का ये मानना है, इकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि अंग्रेजों ने जो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया वो बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं था। आखिर क्या था ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। On the name of scientific forestry, natural forest which had lot of different types of trees were cut down. हम जानते हैं फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज होती है, कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कई तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस हम जंगलों से प्राप्त करते हैं, मेडिसिन प्राप्त करते हैं, हर्ब्स के प्लांट्स प्राप्त करते हैं, कई तरह के फ्रूट्स हमें मिलते हैं। लेकिन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पे अंग्रेजों ने क्या किया, जंगलों में मिलने वाले ये जो डिफरेंट डाइवर्स टाइप के ट्रीज एंड प्लांट्स थे उनको कटवा दिया, और इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्रीज वाज प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज, दिस इज कॉल्ड ए प्लांटेशन। और उनकी जगहों पे जो नेचुरल ट्रीज एंड प्लांट्स थे उनको कटवा के उनकी जगह पे उन्होंने एक कतार में, एक लाइन में एक ही तरह के पेड़ उगाने शुरू कर दिए, जो प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। और मुझे लगता है इस डिस्कशन में अब तक बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा वो एक ही तरह के पेड़ कौन थे। वो एक ही तरह के पेड़ बच्चों वही कमर्शियल ट्रीज थे जो उनके रेलवेज के लिए, जहाजों के लिए या उनके प्लांटेशन के लिए बहुत ही जरूरी होते थे। नाउ अब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के तहत अधिकारी थे उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो जंगलों का सर्वे करें और पता लगाएं कि किस जमीन में किस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं। Then they made working plans for forest management.
उसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे प्लांट्स बनाने शुरू किए. देन दे प्लांट हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर. उसके बाद उन्होंने एक डाटा तैयार किया कि किस तरीके से प्लानिंग की जाए कि प्लांटेशन के तहत कितना पेड़ किस साल में काटना है. इसके लिए उन्होंने एक प्लानिंग डिसाइड किया. द एरिया कट वॉज देन टू बी रीप्लांटेड सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर्स. और जो पेड़ों को काटा जाता था उनकी जगह पे दूसरे पेड़ दोबारा लगाए जाते थे ताकि उनको फिर से दोबारा काटा जा सके. अब बच्चों देख सकते हैं आप, जिसे उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम दिया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पे उन्होंने केवल कमर्शियल ट्रीज का प्लांटेशन किया. और इस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का फॉरेस्ट पर और फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा. हम आज पहले प्रभाव की चर्चा करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम इस और भी जो प्रभाव पड़ा उसकी हम चर्चा करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट सेक्टर ओनली. जैसे कि हमने देखा था डायट्रिस ब्रांडिस आफ्टर अपॉइंटेड एज द फॉरेस्ट जनरल ऑफ इंडिया इनेक्टेड ए फॉरेस्ट लॉ इन 1865 which was twice amended, once in 1878 and then in 1927. In the 1878 Act, he divided forest into three categories, reserve for forest, protected forest and village forest. The West forests were called reserve forest. Villagers could not take anything from this forest even for their own use. और जो बेस्ट फॉरेस्ट थे वो रिजर्व फॉरेस्ट थे. और इन रिजर्व फॉरेस्ट में विलेजर्स की एंट्री पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई, निषिद्ध कर दी गई. वहां से वो किसी भी तरह का प्रोडक्ट नहीं ले सकते थे, इवन अपने सेल्फ यूज के लिए भी इन फॉरेस्ट से चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते थे. दे वर अलाउड टू एंटर इन द विलेज फॉरेस्ट ओनली एंड विद सम सर्टेन कंडीशंस दे कैन आल्सो गो टू द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. अब इसका क्या परिणाम पड़ा? Many communities left their traditional occupations due to the restriction of entry in the forest. Forest में जो restriction लगा दिया गया entry के लिए, उससे जो different communities हैं उससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा. उनको अपना traditional काम छोड़ना पड़ा, उसके बदले में उन्हें factories में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, mines में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा. जो government जो plantations थे उनके supervision में उनको plantations में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा. ऐसे सेवरल एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं. इधर इट इज असम, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन सभी प्रदेशों में चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, जितने भी फॉरेस्ट कम्युनिटीज थे जैसे संथाल, उराव, गोंड, सभी लोगों को अपना ट्रेडिशनल काम छोड़ना पड़ा. और उसकी वजह में उनकी जगह में उनके टी प्लांटेशन में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा. बिल्कुल, काफी घातक इतना काफी है. जी जी सुशील जी, काफ़ी घातक प्रभाव ये देखने को मिले. हालांकि अभी हमने एक ही कारण के रूप में, प्रभाव के रूप में चर्चा की है, आगे की क्लासेस में और भी हम प्रभाव जानेंगे. उस पश्चिम मंजर में जब जंगली जो प्रजातियां हैं, जिन भी जातियों का आपने नाम लिया है यहाँ पे, अगर उनके पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाई जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए, तो फिर उसका बहुत बड़ा ये उद्घोष हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत ने जिस तरीके से दमनकारी नीतियों के तहत फॉरेस्ट को काटा, वनों की कटाई हुई, वो अपने आप में बहुत ही हृदय विदारक घटना रही थी. खैर वहाँ से लेके यहाँ तक का सफर जो है काफी, उस सेशन में सर, नेक्स्ट सेशन में हम इस पे भी डिसीजन करेंगे. सबसे पहले इन पे क्या क्या प्रभाव पड़े और फिर इन प्रभावों के खिलाफ ये जो भी कम्युनिटीज थी, ट्राइबल कम्युनिटीज, उन्होंने किस तरीके से अपने मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया और कंपनी ऑफिसर्स के खिलाफ उन्होंने जो है एक्शंस लिए, कंपनी ने भी उनके खिलाफ क्या एक्शंस लिए, ये सभी रिप्रेशन जो भी है. बिल्कुल, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और दिलचस्प सा माहौल आपने बना दिया है. चलिए अभी क्लाइमैक्स के रूप में हम अगला सेशन जरूर देखेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी अपने इस अदम प्रयास के लिए. इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उस पचमंजर की हमें बताने के लिए, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड ऑफकोर्स कॉलोनियलिज्म को लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जी सर, धन्यवाद. और सभी बच्चों को भी, जितने भी दर्शक हैं उन्हें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे है, चूंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम बात करते हैं साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो कि वेबिनार सीरीज के तहत अभी भी चल रही है. और आज जहां जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो मोबाइल से जुड़ा हुआ है, यानी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक डिवाइस, जहां पर आप समझेंगे मोबाइल फोन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अंडर दी वेबिनार प्रोग्राम. छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार.